हाँ वो अम्मी कहती है आलू मटर का सालन मैंने सुना है आपके यहाँ है। आलू मटर नहीं है। आंटी थी बोल रही थी कि बेटा आपके पंखे आवाज़ इतना क्यों करते हैं, ये जो शोर कर रहे हैं इतनी आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, हमारा सहरी का व्लॉग, सुबह का व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुबतला हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। तो जी हमारा सुबह का व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है, और रात वाला व्लॉग जो है वो भी, और सुबह उससे पहले मतलब मेरा सहरी वाला व्लॉग, मैंने छोटे छोटे व्लॉग बनाए थे लेकिन छोटे व्लॉग जो है ना, पता नहीं यूट्यूब को अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्या वजह है, ना ही वो वायरल होते हैं, ना कोई उनके व्यू अच्छे आते हैं। मैं जितनी बड़ी वीडियो बनाऊँ मेरी, वो उसके ऊपर व्यू फिर भी आते हैं, लेकिन जितनी छोटी बनाता हूँ मैं आप सबके लिए, मैंने कहा छोटी करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, लेकिन वो छोटी करते करते ना उसका ये हिसाब हो गया कि व्यू ही ख़त्म हो गए, व्यू ख़राब हो रहे हैं, मतलब व्यू ही नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, नसीब की बात होती है, जितना मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो है व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले अपनी चलाते हैं लाइट, 1 2 3 गो, लाइट ऑन। और मौलवी साहिबान भी उठ चुके हैं, हाँ मौलवी साहबान उठ चुके हैं, टाइम हो चुका है 3:20, मतलब आज मैं लेट हूँ, बैठा रहा मैं उधर, ये सर में दर्द है काफ़ी देर का, मतलब जैसे ही रोज़ा इफ्तार किया था उस वक्त तो गया था सवारी छोड़ने, उस वक्त का सर में दर्द है, गोलियाँ भी खाई लेकिन सर दर्द अभी नहीं गया। कोई नहीं, अभी कुछ खाएंगे, शायद भूख की वजह से हो, तो फिर जो है ना करते हैं, और उठाते हैं सलमा को, लाइट ऑन। सलमा, सलमा, ओ सलमा, सलमा, ओ सलमा, ओ सलमा, आज ना मुझे फंसा दिया है इधर, ये देखिए परी मेरी जगह पे, और मेरी जगह पे ये सराना रख दिया है, और साथ परी है इस साइड पे, आज मेरी वाली साइड पे, और सलमा जो है दूसरी साइड पे है। सलमा 3:20 हो चुके हैं, टाइम आज ज़्यादा लेट हो गया है, उठ जाओ जल्दी जल्दी से, फटाफट तैयार हो जाओ। चलो जी इसको उठा दिया, अभी जो है चलता हूँ मैं ऊपर वालों को उठाता हूँ, टाइम बहुत कम है, आज लेट हो गए, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला। और हाँ एक आंटी थी बोल रही थी कि बेटा आपके पंखे आवाज़ इतना क्यों करते हैं, ये जो शोर कर रहे हैं इतनी आवाज़ पंखों की, तो उनको मैंने कमेंट्स में भी जवाब दिया है, पता नहीं उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन ये था कि ये पंखे जो है ना ये हैं ओल्ड, पुराने पंखे हैं, और ये छोटा चल रहा है, वो छोटे जो होते हैं ये सोलर वाला बिजली पे चल रहा है, इसलिए फिर ये ज़्यादा आवाज़ करता है, और वैसे भी पंखे पुराने हो चुके हैं इसलिए आवाज़ करते हैं, जूं जूं की करते हैं। अभी तो मेरे छत वाला जो मेरे कमरे में लगा हुआ है ना, उसकी ज़्यादा आवाज़ थी, वो तो गंदी आवाज़ निकलता था, उसको मैंने खोला, उसको साफ़ किया, तो उसको सेट करके आप फिर भी सुकून हो गया, नहीं तो आवाज़ बहुत गंदी होती थी। ऐसे ही सब पुराने पंखे हो चुके हैं ना, इसलिए काफ़ी अरसे से लिए हुए हैं, और अभी जो है ऊपर वालों का देखते हैं, ऊपर वाले सोए पड़े हैं, लंबास लंबास 3:20 हो चुके हैं, आज लेट हो गए। चलो जी भाई वालों को भी उठा दिया है, यार एक तो मेरे हाथ टांग ओ सॉरी बाजू जो है ना थक जाते हैं, पता नहीं क्या है, ब्लड जैसे बंदे का ना जाम हो गया हो, वो वाला हिसाब है कि जल्दी मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। और हाँ मेरे हाथों की तलियां, ये देखिए पसीना आया हुआ है, हाथों की तलियां और पैरों की तलियां, इतनी पसीना आता है बहुत ज़्यादा, जब भी चलूँ या कहीं बैठ जाऊँ
थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ तो फिर चक्कर आने लगते हैं। पता नहीं मैदे की मसला है, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह ही जाने कौन कौन सी बीमारियाँ लड़ रही हैं मेरे साथ। चलो जी, उठा दिया है, बाकी रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों सलमा जो है गुंदाई हो रही है, ओ सलमा जो है आटा गुंदाई कर रही है, और कहते हैं क्या है सालन क्या पका है, रात वाला आलू गोभी रात पिछली रात जो था ना, वो भी गोभी कीमा खाया, मेरा मैदा सारा दिन गैस करता रहा, दर्द रहा, फिर किस चीज़ से खाऊंगा। और कोई सालन है? हाँ, आप ही ने बनाया है आलू मटर, वो इधर से आलू मटर। और अपने घर में और कोई सालन पड़ा है गोभी के अलावा? गोभी के अलावा दाल पड़ी थी। चलो जी देखते हैं फिर जो बन गया, क्योंकि मैदे के मरीज़ के लिए यही मसला होता है। गोभी करा तो गोभी कीमा खाया भाई वालों ने जो दिया, उस वक्त तो शौक के साथ मैंने पिंजा काट दिया, बहुत खाया, लेकिन सारा दिन मैदा ऐसे 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 जैसे ना बुलबुला सा फूकता है, बुलबुला नहीं होता, फूकी जाता है, फूक भर जाती है, ऐसे फूक वो फिर सर में चली जाती है, सर दर्द करता है। तो इसलिए फिर जैसे ही रोज़ा इफ्तार किया, उस वक्त खाली पानी पिया था, नहीं जूस पिया था, जूस पीने की वजह से फिर सर दर्द हो गया, ऊपर से उन्होंने बोतल पिला दी, तो सर दर्द फिर सारी रात नहीं गया, अभी तक भी थोड़ा थोड़ा है, आज नहीं खाऊंगा गोभी, गोभी का मसला है। चलो नहीं तो फिर चाय के साथ खा लूँगा। अम्मी अबू को उठाऊँ? उठा दे। आपके कपड़े और नहीं थे, चेंज किए हैं? इसके जब मैंने इसको उठाया उस वक्त इसके कपड़े चेंज और थे, अभी जो है उठी है तो और कपड़े, मतलब है इसको उठा के ना मैं ऐसे थोड़ा लेट गया, मैंने कहा सुकून कुछ मिल जाए, तो लेकिन इसके कपड़े चेंज हो गए। फिर सब सुकून से सोए हुए हैं, अभी नहीं उठा था, जब रोटी का टाइम हो जाएगा रोज़ खाने का फिर उठाऊंगा। मौलवी सब उठा रहा था, जल्दी से सहरी कर ले, उठा रहा है, और गैस जो है ना आया हुआ है, ये देखें चल रहा है। और हाँ बता रहा था कि अम्मी अबू को उनको अभी नहीं उठाता, तब तक खाना बन जाएगा फिर उठाऊंगा, अभी रिलैक्स हैं, सोए पड़े हैं सब तीनों, अम्मी भी अबू भी और अमीना भी, जैसे उठते हैं फिर खुद बखुद उठाएंगे, जैसे आवाज़ें लगेंगी खाने पकाने की ये वो उठाएंगे। एक बंदा जब उठेगा फिर दो यानी एक उठेगा तो दोनों बाकी भी उठ के आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। मैं जा रहा हूँ जी ऊपर मीन्स उपले पोषण पे, ऊपर वाले पोषण पे, ये मत समझना कि खुद ऊपर जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ? सालन लेने जा रहा हूँ ऊपर वालों से, आलू मटर का, क्योंकि गोभी नहीं खानी। अभी जो है जाता हूँ उनसे लेता हूँ आलू मटर। उठ गए हैं, लाइट ऑन हो गई है, लगता है वो अपना खाना वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो हाँ वो बोल रहे हैं लगुला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, वेलकम जी, आया रूम भली करे आया, केड़ो हाल ते सुठो है? ओए अल्हम्दुलिल्लाह सुठो है, माशाल्लाह। हां अच्छा, सालन देसो? सालन है, सालन आलू मटर का सालन मैंने सुना है आपके यहां है। आलू मटर नहीं है? हां आलू और चने। हां आलू चने, आलू चने वही दे दें। मैं ना गोभी नहीं खाता, मैदा फिर गैस करता है, तो मुझे वो सालन दे। ऐसे दे दो, गरम कर लूँगा। हाँ ऐसे दे दो, वो गरम कर लेंगे। और आप दो उठे हो, बाकी जब खाना तैयार हो जाता है तो उस वक्त ही खाते हैं। सही। चलो जी इधर से लेते हैं सालन, फिर चलते हैं नीचे। तो जी दोस्तों सालन जो है मैंने ले लिया है, ये देखें, ऐसे देखें आलू चने, मैं समझा आलू मटर हैं, सलमा ने बोला आलू मटर हैं, ये आलू चने हैं। लेके जा रहा हूँ नीचे,
चेक करते हैं चने गले हुए हैं या नहीं, क्योंकि हमारा घर का जो पानी है ना वो पानी उससे कोई भी ऐसा मतलब चने हो गए और कुछ हो गया ना वो गलते नहीं है सही तरह से। अगर वाटर सप्लाई का ले आए तो उससे गल जाते हैं, इसलिए पूछ रहा था मैंने, कहा कोई गले हुए हैं, गले हैं या नहीं गले, तो टेस्ट करेंगे चेक करेंगे। और हमारी रोटियां जो है माशाल्लाह से इधर तैयार हो चुकी हैं। और सरदार सलाम दुआ कर लो, आपकी सलाम दुआ भी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, मैं करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो अभी जो है ना ऐसे खाना हमारा बन रहा है, हाँ जो कि बन गया है, कुछ रोटियाँ बन चुकी हैं। हाँ जी। अच्छा, और ये सालन है इसको गरम करना है। अच्छा। और दूसरा बहन भाइयों को बोल दो, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। अच्छा। और आप भी बोल दो, वीडियो को शेयर किया करें, आजकल व्यू कम हो रहे हैं घर क्या हमने ले लिया है, आप व्यू भी नहीं दे रहे सब। वीडियो लगाई है इसलिए कि हमारा कर्जा उतर गया, बहन भाइयों ने वीडियो देखना छोड़ दी। हाँ, कि अब इनको टेंशन नहीं है। हाँ, नहीं हम खाते तो है, वो तो खर्चा होता है ना। हाँ, ये तो है। इंशाल्लाह चल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी, सालन भी आ गया है, रोटियां तैयार हो रही हैं। और हम ये बुक मैंने अभी नहीं उठाया, मैंने कहा रोटियां तैयार हो जाए फिर उठाता हूं। बस तैयार है और जगह दे, टाइम कम होगा ना, फिर वो मतलब के हाथ मुंह धोएंगे फ्रेश होंगे फिर टाइम लग जाता है। सही है। चलो जी मैं उनको उठाता हूं, पहले ना मैं ये दरी ये जो है ना इसको बिछाना है। अबू की आवाज़ें आ रही हैं, मैं ये बिछा दूँ, ये देखिए। हाँ, इसको बिछा देता हूँ इधर, सीधी कर लो। चलो जी, एक साइड पे हो गई, अब ये दूसरी साइड, ये बिछ चुकी है, अब इधर बैठेंगे। और अम्मी अबू को अब उठाता हूँ, अबू उठे हुए हैं, अम्मी को भी उठाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल हवाल है? अल्लाह से करम है। ठीक हो? ठीक हो भैया, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अम्मी जान उठ जाओ, टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, टाइम सिर्फ 1 घंटा रहता है, फिर खाना पीना भी मुँह धोना करना सब कुछ हो जाएगा फिर, ऐसे ना अबू जान। मैं पहले आया, आप सोए थे, अम्मी भी सोई थी, अभी आपकी वो क्या कहते हैं खंगार या वो दूसरा वो वाला, हाँ ये वाली अभी जो की है, ऐसी आवाज़ है। मैंने कहा अबू, सलमा ने बोला अबू जागे हुए, तो फिर जो है ना आप रोज़ा रखोगे आज? हाँ यार आज रोज़ा रखोगे? मुश्किल है, दवाई ले आया हो इसलिए। हाँ जी। चलो सही हो गया जी। और अम्मी तो वैसे रोज़े रख रही है माशाल्लाह से, अब अमीना जो है ना, अमीना को भी उठाते हैं, अमीना खुद ब खुद उठाएगी, अम्मी उठाई है, अबू उठाया तो वो भी उठाएगी। तो अभी जो है खाना वगैरह करते हैं, सब उठाए हैं। और क्या कहते हैं आज आतिफ और जवेरिया उनमें से कोई रोज़ा रखेगा? नहीं, संडे संडे को। हाँ जी, वो संडे को अयान बोलता है ना, संडा को रखेंगे वो, कल संडा था आज तो मंडा है, फिर मंडा संडा। तो अभी जो है उनको नहीं उठाते, जवेरिया और आते को नहीं उठाना ना? नहीं, वो सुबह उठेंगे, आज रोज़ा तो नहीं रखना ना उन्हें। हाँ, ऐसे पूछ जाना है, थोड़ा लेट उठेंगे। सही सही। चलो जी, उनको नहीं उठाते जी, बाकी उठ गए हैं सब, मुँह धोएंगे आएंगे फिर खाना खाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी अम्मा जो है आ चुकी है। हाँ जी। अम्मी जान मुँह धो के आ गई। हाँ जी। रोज़ा रखना है आज? आज बगैर खाए पिए रोज़ा रख लो। खाए पे वो रूह का नहीं। रूह का नहीं, बस जोरे मसाले कर दिया जा, रूह का नहीं होता। अच्छा, आप ऐसे पता है क्या, आप ज़्यादा खाया करो, ऐसे सूख जाओगी, पतली हो जाओगी। तो पतली थी नहीं, ऐसे बंदा हेल्दी हो अच्छा होता है,
खाना खाने से बंदा सूख जाता है, कमजोरियां और भी परेशानियां, फिर बीमारियां लग जाती हैं। ऐसे खाना फिर डांट के खाया करो। कंधे से ले और क्या करूं? नहीं फिर भी ज़बरदस्ती, अभी तो चलो माशाल्लाह माह रमज़ान है, अभी सुबह सहरी टाइम चंगा खाया और जब इफ्तारी टाइम फिर भी डांट के खाया। ऐसे जितना ज़्यादा खाओगी ना तो उतना फ़ायदा होगा आपके लिए। बाहर निकल दे। हाँ जी ये तो है, लेकिन कोई नहीं, जितना ज्यादा खाना खाएंगे ताकत आएगी जिसमें। चावल आप जितना खाओ उससे कुछ नहीं होता, फायदा भी नहीं होता, उसी वक्त भूख लग जाती है। रोटी आप जितनी खाओ ना उससे ताकत आती है। मेरे को तो पता नहीं क्या बला थी कि जेर शायद जो खावा थोड़ी खावा ढेर खावा जेरी खावा बस तू तो भर दिए खुद। क्या बला थी क्या बला कहती है? मेरे को पता नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी बला चिंबड़ गई है, क्या हो गया कि मेरा जो खाती हूँ वो। फिर मेरा भी तो यही हाल है, ये मैदे का मसला होता है, मैदा हजम नहीं करता इसलिए फिर वो वापस आते रहता है खटे खटे डकार, तो वो हाजमा नहीं होता, इसको मैदे का मसला होता है और बीमारी कोई नहीं चिंबड़ गई। क्या बला चिंबड़ गई है, सही सही। चलो जी अब बैठते हैं खाना खाते हैं, 4:05 हो चुके हैं तो खाना स्टार्ट करते हैं। ताकि आज देर नाल आज देर लिए देर इससे कि मैं खुद देर, मुझे देर हो गई, मैं बैठा रहा फिर आलस हो गई, फिर मैंने कहा अच्छा 3:15 पे उठाना शुरू किया, फिर वो खाना वगैरह आटा गूंदा रोटी वगैरह जैसे सब होता है। ये तो है ना, अब जो है ना ऐसा ही करूँगा, जल्दी उठाया करूँगा, 3:30 उठा दिया करूँगा क्योंकि टाइम अब पीछे जा रहा है। सलमा ऐसे 2:30 इतना जल्दी उठ के क्या करना है? हाँ वो अम्मी जो खाना बन जाता है फिर भी कितना टाइम बचा हुआ होता है, फिर इतनी जल्दी उठ के रोज का मेंटेनेंस। आप भी इधर से लेट उठाते जा रहे हैं, अब आप जो है ना 2:30 उठाया करें। चलो सही है, 2:30 उठा दूंगा। मैं खुद लेट करता था, मैं कहता था कि यार लेट उठाऊंगा, इतनी जल्दी उठा दूं नींद भी पूरी नहीं होती ना, 12-1 सो फिर 2:30 उठा दूँ, घंटे डेढ़ बाद फिर बंदा क्या नींद पूरी नहीं होगी। कल इफ्तारी भी ऐसे लेट हुई यार, फिर शहर। हाँ इफ्तारी तो वो तो अब्बू की दवाई लेने चले गए थे ना, इस वजह से लेट होगी, लेकिन आज इंशाल्लाह जो इफ्तारी टाइम ना सारा सिस्टम हम टाइम से शुरू कर देंगे। तो लेट करते हैं। हाँ पहला जो है ना पहला रोज़ा हमने रखा था, पहला रोज़ा तकरीबन 4 से हमारी भाग दौड़ शुरू हो जाती है इफ्तारी टाइम पे। अब करते करते वो भी मेरे ख्याल में 5 वो ऐसे ना 4:30 तो हम डॉक्टर के अस्पताल से आए तो आधा घंटा फिर इधर 5:00, फिर 1 सारा रहता था, इसलिए फिर आज जो है आज जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी ताज़ी जो है ना गर्मा गर्म रोटी, ये देखें घी लगा के थोड़ा सा रोटी आ गई है और ये सालन गर्म हो चुका है और अभी जो है खाते हैं। सलमा आ जाओ, क्या उधर क्या अभी क्या रहता है? चाय रख दो चूल्हे पे। आ जाओ जल्दी आ जाओ, फिर ये गर्म ठंडी हो जाएगी। और अम्मी जान जो है वो अम्मी जान फिर चली गई और भाई दही लेकर आ गए हैं। वाह जी वाह मोस्ट वेलकम वेलकम, ले आओ दही भी आ गई है। मैंने कहा खाना खाने से पहले ना अब्बू जान को पूछ लूँ। अब्बू जान खाना आपने नहीं खाना क्या? नहीं क्यों, भूख नहीं है? रोजा नहीं रखना ना, क्या रोजा वही है ना, अभी खा लोगे तो फिर लाइट चाय ना खाना, दिन को ना खाना। चलो जी आ जाए आप भी खा लें। माशाल्लाह मीना देखें जी नमाज पढ़ रही है, माशाल्लाह मेरी सोहनी बहन नमाज पढ़ रही है, माशाल्लाह ये देखें। पढ़ो नमाज पढ़ो, माशाल्लाह पढ़ो। हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, आप पढ़ो मैं खाना खा लूँ, पढ़ो।
माशाल्लाह जी। अमीन देखते देखते फिर बोलने लग गए, अल्ताफ साहब आप भी नमाज़ पढ़ो। अपनी नमाज के दौरान ही अबू जान के लिए मैं रख लूँ। हाँ कहते हैं आ रहा हूँ, इधर बैठाते हैं अबू जान को। चेयर पता नहीं कहाँ पड़ी है, चेयर चेयर कुर्सी उधर पड़ी है, नहीं पड़ी। मीना के बोरे रखे हुए हैं, कुर्सी नहीं पड़ी, कुर्सी कहाँ गई, ये पड़ी है छुपी हुई कुर्सी। आ जाए अबू जान जी। जी अबू जान का सेटअप इधर लगा दिया है, अब अबू जान बैठेंगे और सलमा जो है ना शुरू हो गई माशाल्लाह, अम्मी भी खा रही है और हमारी चाय जो है वो देखें उधर बन रही है। अभी जो खाते हैं फिर खाना, तब तक अबू अबू और अमीना भी आ जाएंगे। अमीना गुस्सा कर रही हो, गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं करना चाहिए, कवड़ी से क्यों कवड़ी से हैं? आप गुस्सा नहीं करो ना, आपने नमाज पढ़ी है तो नमाज पढ़ के गुस्सा नहीं करते है। आए तो अमीना गुस्सा कर गई है जी, सुबह सुबह सहरी के टाइम अमीना गुस्सा कर गई। हाँ हमने बोला इसको जो है ना बोरे से कपड़े निकाल लो इसलिए। हाँ हाँ वो अम्मी कहती है सुबह सुबह अम्मी को डांट रही हो आप। अम्मी कहती है जो बोरे में कपड़े पड़े हैं ना आपके नवे कपड़े, आपने नए कपड़े खराब कर दिए। हाँ वो आप संदूक में रखा करो, वो नवे कपड़े आप हाँ बोछण से याद आया, एक सिस्टर पूछ रही थी कि अमीना हर वक्त बोछण बोछण क्या कहती है, ये बोछण क्या चीज़ है? तो बोछण ये इसका हमारी सराकी में बोछण थे, बोछण बोलते हैं दुपट्टे को, ये जो है ना ये इसको दुपट्टे को बोछण बोलते हैं। तो ये वही कहती है कि मेरा बोछण चोरी हो गया, बोछण चोरी हो गया, ये बोछण बोछण। तो वो फिर जो बोरे है ना उसका बोरे का जो हाँ सुबह पता है क्या करना, आप जैसे दिन हो जाए ना वो बोरे फिर दे देना, ठीक है ना, कशा ना दे, ना दे। वो फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे, चोरी हो रहे हैं ना बोरे में डालती। हाँ खुदा का नाम आपको ना बेच दे उसके बोरे क्यों बेचेंगे? अच्छा बोरे जो जो तुम याद है मैं वो मैं ही इतना दुआ मांगता हूं। हां अल्लाह के लाभ हुए। हां मैं शायद मैं बुलाया कुठिया। हां मैं तो देखा वो से मैं कहां गया। बोला जब मैं वो चोरा कल चोरा चाट में आया जाए सीता पे आ चोरा और सिवा चोरा थे सिलवा ते कली लाठी और पहुंचा ही ना ले आ पे मैं दो से इकट्ठे रहा था मैं। अच्छा वाला फिर ऐसा करो ना, वो आपका बोछा नहीं मिल रहा ना तो इसलिए कहते हैं कि बोरे जो है ना वो सुबह भेज देना, तो बाकी जो है ना वो संदूक में रख लेना। आप अच्छी नहीं, आप अच्छी बच्ची हो, बक्से को लगा देते हैं ताला, कपड़े कोई नहीं चोरी कर सकता। आप बोरे में रखती हो ना उधर से चोरी करके ले जाते हैं। नमा आपके दो सूट सिलाई हुई है ना जो दो दूसरे थे वो चोरी हो गए। चपलियां मारती है कपड़े रखते देख ताला मारी खड़े वाला डे मेरे किनी वेने जो तू बोले रखनी और तू जाट जाट आपके कपड़े इसलिए चोरी हो रहे हैं। मेरे का चोरी ठीक है, मेरे का कहा चोरी हो गए? आप बोरे में ना रखा करो। हाँ सब सुबह आप अभी अभी बात सुनो, अभी खाना खाओ, हम सुबह जो है ना फिर बात करेंगे ना। दिन को ना, कल आपको पकोड़े भी खिलाने हैं मैंने ना, कैसे कैसे आपने पकोड़े बोला था ना पकौड़े ढाकड़े सी पकोड़े का ना खोसी पकोड़े हम कल घर में बनाएंगे। हाँ कल आज आज कल नहीं आज आज घर पे बनाएंगे पकोड़े। हाँ आज वो मैं बेसन हाँ बेसन मैं लेके आया था, बेसन पड़ा है, बाकी आलू ले आऊंगा फिर ना, आज पकोड़े खुद बनाएंगे फिर। हाँ
अपनी अम्मी ना बोरे बेचेगी तो फिर हम आलू खरीदेंगे और पकौड़े बनाएंगे। फिर पकौड़े बनाएंगे खाएंगे आप बोरे बेच के। मेरी प्यारी अमीना पकोड़े खाएगी। दाल से आ तो मेरी प्यारी बहन नहीं हो। अच्छा वो कहती है मैं गुस्सा करके चली जाऊंगी, झेड़ा लगा के भाग जाऊंगी। कहाँ भाग जाओगी? अपने घर। ये अपना घर है अब, ये अपना है हो गया अब। इसके पैसे माशाल्लाह तो अपना घर बन गया। नहीं नहीं एक ये वो किसे और दा नहीं है, ये अपना है। इतनी दिन से हम रो पेट रहे थे, अभी आप कहती हो कि ये किसी और का है। अभी हमने पैसे इसके मुकम्मल किए। हाँ अभी तो बड़ी मुश्किल से इसके पैसे दिए। अच्छा इन्हें पैसे लेके बैठो, अपना घर नहीं है। हाँ पैसे लेके बैठो, अपना घर है। कहना लग वैसे पता सिर्फ वो पता है क्या जिन्हें पैसा भरे मुद्दा करती है शाही। हाँ तो पैसे हमने दिए है ना, अब हमारा है। पहले नहीं। अच्छा वो मालिक मकान कह रहा था कि अमीना को बोलो इधर गंद ना मारा करे। जो 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 बोरे कहते है रखते है ना, वो बोरे चोरी हो जाएंगे फिर। चौक का आगे कीड़ा पूरा पीना। हाँ कीड़ा खा। अच्छा कितनी रोटियां खाओगी बताओ? रोटी खाने तक। हाँ कितनी रोटी खानी है? नहीं, नहीं आज आप दो खाओ। ना ना चलो चलो चार खा लो। चलो चार खा लो ठीक है। एक एक कोस है। चार रोटी आप टोटल खाओगी? चाय पियोगी? नहीं। चाय भी नहीं पियोगी? नहीं। वाह सोना पुत्र है। कुछ नहीं खाया। आप मेरा सोना पुत्र हो ना। पानी दो अम्मी। पूरी कमंडी खोल चाय भरी वाली तपती सारी मुंह जल गई। सारा अब इसको अम्मी याद आया हुआ है कि हमारा होटल था उधर से चाय लेके आई इतनी। हम ऐसे कहते हैं कितनी पुरानी बात है ये। मेरे ख्याल से कम ना 20 साल पुरानी बात है। 15 से 20 साल पुरानी। हाँ जी उस दौर की अभी भी इसको याद है तो आप ऐसे कहते हो कि इसको नहीं समझ। बहुत समझ है इसको मेरी बहन, तकड़ी है तकड़ी। अच्छा हाँ कहती है मैं जब अम्मी के पेट में थी तो अम्मी मुझे कहती कि अमीना तुम ऐसा क्यों करती हो। अबू जान अम्मी के पेट में कैसे बोलती। हाँ जी कहती है कि अम्मी के पेट में। वाह वाह अमीना वाह क्या बात है तेरी। अच्छा अच्छा बात सुनो आप रोटी खाओ सुकून से रोटी खाओ, फिर जो है ना हम दिन को बोरे बेचेंगे ठीक है। नहीं हाँ फिर ना प्याले लेंगे प्याले। ओ ना प्याले ना। अच्छा क्या लेंगे? मैं पत्ते थोड़े। हाँ पत्ते मेरे पास थे मैं हाँ पूरा पत्ता। चलो ठीक हो गया मेरे सोने। हाँ। सही हो गया। हाँ। हाँ, सही नहीं। है मेरे नवा जोड़ा है खुदा 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 अल्लाह अल्लाह से
हाँ अल्लाह से खर्चा पानी देना ना, कहती है अल्लाह पाक खर्चा पानी देता है। तेरा बोछान है तेरा सावा बोछान। हाँ, चलो मैं, अच्छा मेरी सुनो, आप बोरे बेच देना, मैं आपके लिए नया बोछन ले आऊंगा। नहीं सही है, नहीं नवा सोना सोना ईद वास्ते स्पेशल ते को ढेर है। हाँ। चलो फिर अब नहीं कहना कि मेरा बोछन नहीं है। हाँ, अब फिर उसकी बात नहीं करना। हाँ इसलिए तो कहता हूँ, वो जो आपकी वो संदूक रखी है ना उसमें रखा करो। हाँ बोरे में ना क्या करो आप, पता क्या करो, अभी अभी बात सुनो, बात सुनो, अभी रोटी खाओ फिर बात करते हैं, ठीक है। हाँ अभी बात, रोटी खाओ, मैं भी चाय पी लूँ, आप रोटी खा लो। हाँ मैंने लस्सी पी ली, आप रोटी खाओ चुप करके, ठीक है। चलो जी, अमीना का जो है रोला पड़ गया था इसका बोरे के ऊपर, तो सुबह सुबह जो है सहरी टाइम अमीना का रोला बन गया। वाह जी वाह, क्या बात है। चलो जी अभी जो है मैं खाना मैंने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पीते हैं, चाय पी कर गोलियां इसके साथ की नहीं, इस टाइम की गोली नहीं है वो। हाँ हुक्का, हुक्का वही है, सांस के लिए हुक्का है ये, मुस्तकिल आपने हुक्का इस्तेमाल करना है अभी। हाँ गोलियाँ नहीं है, सिर्फ हुक्का है, वो कैप्सूल दिए हैं डॉक्टर ने, हुक्के हुक्का बना हुआ है, हम हुक्का बोलते हैं लेकिन वो उसको कुछ और ही बोलते हैं, उसके अंदर कैप्सूल रख के फिर उसके ऊपर अबू ना ऐसे ऐसे करता है तो फिर वो जो कैप्सूल है वो खाली हो जाता है, टोटली अंदर चला जाता है, तो वैसी दवाई दी है। चलो जी मैं चाय पी लूँ फिर मिलते हैं। चलो अब चाय पियो, कैसे पीती हो? चलो पहले चाय पियो ना, कैसे पीती हो मैं दिखाता हूँ, बहन भाई देखेंगे आप चाय कैसे पीती हो। चलो रोटी लाल थी गई, चलो चाय पियो, चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नजर ना मानी, वही नजर बटू को गए। मैं नजर बटू नहीं हूँ अमीना, ऐसे ना कहो, मैं अच्छा बंदा हूँ। दुआ कर पैसे मिल जाओ, आप नवी कार किनवा। हाँ नवी कार किन सुन कि तो आधाई पकड़े दे दू कार चाल के जा आ उसकी दुआ मांगो ना, अपनी कार आ जाएगी फिर इंशाल्लाह। अभी जो है सूटा मारो, हाँ चाय का सूटा लगाओ, कैसे पीती हो? हाँ पियो। मिठी बना के सीखो, पियो पियो जोर से पियो ना, ऐसा पीती हो जोर से पियो। वाह सरदार वाह, वाह सरदार वाह, चाय पियो आप, चाय पियो। हाँ जी सरदार, फिर गुस्सा नहीं करो, गुस्सा कड़ी करे भी। हाँ कहाँ जा रही हो, नमाज पढ़नी है? कब पढ़नी है, देर से? जूती को छोड़, जूती छोड़ छोड़े। हाँ अभी खा पी लिया, अब नींद आ रही है। अच्छा चलो फिर, चलो मैं आपको सुला के आता हूँ लोरी दे के। चलो नजर बटूंगा, ए नजर बटू ही, नजर बटू 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 कहनी, चलो आप चलो सो, चलो शाबाश। चलो चलो जुलो जुलो सुमो ना ना, तू आज अब काम कर, चलो सो जाओ। हाँ सदके सदके, चलो सो जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी अमीना सो गई, बाहला बल्ला विश्वास हटा, ओ भाई बलता खा, बाहला ही बलता खा भाई, तो बाकी ठीक है सर। सवेरे ये तो मुलाजा कुठ दा है, हां ए ये मुलाजा कुठ दा है, मैं के देख रहा क्या पे कह दे, मैं तो देख रहा सही तू बैठा के भी ना भी कहे कि देखे कि दे। हां चलो सो जाओ, ठीक है सो जाओ, तो मुलाजा बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, दुआ की टक्कर में बोछ लब जावे। हां तेरे लिए दुआ करूंगा, तेरा बोछ लब जाएगा, दुआ अब अल्लाह और अल्लाह अल्लाह करेगा बोछ, अल्लाह अल्लाह बोछ अल्लाह अल्लाह करता है। हां जी इसका दुपट्टा भी अल्लाह अल्लाह करता है। अच्छा बाय बाय करो, बाय बाय करो, ऐसा सो है मालिक था वो शाप पर दे लुक किया था। हां शाप मैं कह रही थी, मैं कल चला जावे, मैं भी बोछ गिर गया, ओ ये छा चिट्टा ने नीला छापा ना, हां हुंदे जे चिट्टा छापा, हुंदे च का हुंदे दिते, हुंदे का ने दिते का। अच्छा चलो बाय बाय करो अब।
बाय बाय करो, बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके तो जी खाना वगैरह हो गया है, सारी हमारी सारी टोटल हो गई है, अब अल्लाह हाफिज़ आप कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, हमारा व्लॉग जो है मुकम्मल हो चुका है, अभी लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे शाम वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय। हमारी वीडियो को जो है ना शेयर किया करें और देखा भी करें, और क्योंकि हमारे जो है ना व्यूज़ जो है ना बढ़ने की जगह कम हो रहे हैं। बाय।